एवरीवन नमस्ते, इट्स ममता हियर एंड वेलकम बैक टू द फ्रेश वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल मेड फॉर ममता। सो गाइस, जो आज का वीडियो का हीरो होने वाला वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा हेयरबैंड नहीं है। मतलब हेयरबैंड क्या, ये जो एक्सेसरीज मैंने पहनी वो नहीं है। इसको मैं काफी टाइम से शो करने की कोशिश कर रही हूँ मेरे मतलब वीडियो में दिखे, बट ये आगे ही नहीं आ रहा है, पीछे गए पीछे है। सो जो आज के वीडियो का हीरो होने वाला है वो है एलोवेरा जेल। यस, हेयर ड्राई, इट्स ऑल अबाउट एलोवेरा जेल। सो इट्स अ रिव्यू वीडियो ऑफ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट ऑफ एलोवेरा जेल। सो रिव्यू के साथ साथ मैं एलोवेरा जेल के कुछ ऐसे यूजेस और बेनिफिट्स भी बताऊंगी जो आप अपनी स्किन और अपने हेयर्स के लिए यूज कर सकते हो, और कैसे मैं पसंद करती हूँ एलोवेरा जेल को अपनी स्किन और हेयर्स में यूज करना। सो इट्स अ 7 to 8 वेज टू यूजिंग एलोवेरा जेल व्हाट आई एम शोइंग टू यू। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So you know guys, I love to use aloe vera gel and that's why I created DIYs with aloe vera gel for my skin and hairs. So मैंने काफी different brand के aloe vera gel को use किया है. Then I came up on this product and the brand I'm talking about, it's a Stamio aloe vera gel. This is Stamio aloe vera gel with a pure crystal clear aloe vera gel for skin and hairs. So it's a multi-purpose gel which can be used by both men and women. And it's suitable for all type of hair and skin. It's a cruelty free product और इसमें कोई भी artificial color और fragrance नहीं है, और इसमें कोई भी artificial color और fragrance ना होने के कारण इसकी जो effectiveness है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, which is a very good thing about this one. So इस aloe vera gel को मैं काफ़ी time से use कर रही हूँ and it does not create any reaction on my skin. इसने reaction test को pass कर लिया है। मतलब अगर मैं कोई new product use करती हूँ तो उसको हमेशा एक बार पैचर करके देख लेती हूँ, तभी उसको आगे further use करती हूँ अपने skin पे। और ये चीज़ आप सबको भी करनी चाहिए, अगर आप पहली बार कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो अपने स्किन पे तो एक बार उसको पैचर करके देख लेना चाहिए, तभी उसको कंटिन्यू फर्दर यूज करना चाहिए। और ये चीज आई थिंक मैंने काफी बार अपने वीडियो से मेंशन करी है। सो इस एलोवेरा जेल का जो टेक्सचर काफी ट्रांसपेरेंट है, काफी स्मूथी है और स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। और आपने कभी एलोवेरा जेल को यूज किया होगा तो आपको पता होगा ये बिल्कुल वैसे ही है, और ये अदर एलोवेरा जेल की तरह चिपचिपा नहीं है। मतलब कि कुछ एलोवेरा जेल जो आते हैं काफी नो चिपचिप से करते हैं, बट ये बिल्कुल वैसा नहीं है, नॉन स्टिकी है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो इट्स एन ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल और इसकी जो पैकेजिंग है वो जार पैकेजिंग है, और लुक एट दिस यार, कितना क्यूट सी पैकेजिंग है। और इसमें जो आपको क्वांटिटी मिलती है वो 200 ml मिलती है, लाइक पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। ये नहीं कि आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, ऐसा नहीं, पूरा ये ऊपर तक भरा हुआ है और बहुत सेफ है। आप इसको ट्रैवल भी कर सकते हो, मतलब इसको लेके अगर आपको कहीं जाना तो आप इजिली इसको पर्स में अपने यू नो बैग वगैरह में रख सकते हो। सो ऐसे ही रखना, गिरेगा नहीं बिल्कुल भी। सो इट्स मेड इन इंडिया ब्रांड, तो प्लीज इंडिया के ब्रांड को सपोर्ट करो। इसकी जो बाय लिंक्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से जाकर आप इसको चेकआउट करके ले सकते हो। सो एलोवेरा जेल में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, सूथिंग और कॉमिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि स्किन के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। सो एलोवेरा जेल स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाए रखने में हेल्प करता है, स्किन को हाइड्रेशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है स्किन जो होती है ग्लो करती है। और हेयर्स के लिए भी एलोवेरा जेल काफी फायदेमंद है, हेयर्स को सिल्की और स्मूथ बनाता है, डैंड्रफ जैसी चीजों को भी दूर करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। सो अब देख लेते हैं एलोवेरा जेल को स्किन और हेयर्स के लिए कैसे कैसे यूज करना है। सो मैं एलोवेरा जेल को एज ए मॉइस्चराइजर लगाती हूँ और आप भी लगा सकते हो। बस आपको क्लीन फेस पे, मतलब क्लींजिंग करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद, आपको इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके अपने पूरे फेस पे लगा लेना है, अच्छे से लगाना है ताकि अब्सॉर्ब हो जाए। और उसके बाद आप अपना सनस्क्रीन भी अप्लाई कर सकते हो। सो एलोवेरा जेल का ऐसा मॉर्निंग फेस पैक यूज करना मुझे बहुत पसंद है। सो जब भी मैं सोकर उठती हूँ सुबह, आई फील वेरी टायर्ड, मतलब कि ऐसा रोज नहीं होता है, मतलब कभी कभी जब मुझे रात में कुछ काम करना पड़ गया, एडिटिंग करनी पड़ गई या किसी वजह से जागना पड़ गया, सो इन दी मॉर्निंग आई फील वेरी टायर्ड। सो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, बस क्या करना है, अच्छे से अपना फेस वॉश करना है। उसके बाद क्या करना है, एलोवेरा जेल की थिक सी लेयर पूरे फेस पे लगा लेनी है अच्छे से, और 10 से 15 मिनट तक रख देना है। उसके बाद जब ये सूख जाए इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करना है नॉर्मल पानी से। अब पानी से भी इसको वॉश कर सकते हो, अदरवाइज आपको टॉवल लेनी है, इसको हल्का सा वेट करना है और पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। एंड यू सी द ग्लो इन माई फेस। सो आप एलोवेरा जेल को एज अ लीव ऑन कंडीशनर भी अप्लाई कर सकते हो अपने हेयर्स पे। बस आपको क्या करना है, बस आपको एलोवेरा जेल लेना है और अपने हेयर लेंथ पे इसको अच्छे से लगा लेना है, फिर आप इसको कॉम कर सकते हो। एंड यू गॉट अ सिल्की स्मूथी हेयर्स। आई लव टू यूज एलोवेरा जेल एज अ बिफोर शेविंग क्रीम, ये बहुत सही काम करता है स्किन पे। सो जब भी मुझे शेविंग करनी होती है अपने फेस या बॉडी की, तो आई जस्ट अप्लाई एलोवेरा जेल एंड जस्ट शेव। सो फेस के लिए मैं ये वाला रेजर यूज करती हूँ और बॉडी के लिए मैं ये वाला रेजर यूज करती हूँ। एलोवेरा जेल को लगाते शेविंग करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ये बहुत ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट सा फिनिश देता है।
because aloe vera gel has a barrier to reduce friction between your skin and your razor, जिससे शेविंग करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. सो एलोवेरा जेल को आप एज अ हेयर जेल भी यूज कर सकते हो, मतलब अगर आपको हैवी हेयर लुक नहीं क्रिएट करना है तो आपकी हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है. जो स्मॉल से जो यहाँ पे बाल निकल आते हैं, जो बेबी हेयर्स होते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप एलोवेरा जेल को यूज कर सकते हो, ताकि ये और उड़े ना और ये एकदम स्लीक सा लुक दे आपको. सो आप एलोवेरा जेल से सिंपल सा इफेक्टिव सा हेयर पैक भी बना सकते हो. क्या करना है आपको, 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल के लेने हैं, उसमें 2 कैप्सूल विटामिन ई की डालनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और पूरे बालों में अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है. आप इसको 2 से 3 घंटे भी छोड़ के वॉश कर सकते हो या ओवरनाइट रख के भी इसको मॉर्निंग में वॉश कर सकते हो एंड यू विल गेट अ सिल्की एंड स्मूथ हेयर्स. सो एलोवेरा जेल को आप अपने स्प्लिट एंड पे भी यूज कर सकते हो. सो क्या होता है, जो नीचे के जो बाल होते हैं काफी पुराने से हो जाते हैं, सो इसलिए इनको टाइम टू टाइम ट्रिम भी करना चाहिए. सो बस आपको एलोवेरा जेल को स्प्लिट एंड पे लगा लेना अच्छे से, ताकि इनमें शाइन और सॉफ्टनेस बनी रहे. सो जैसे क्या होता है कि हम लोग अगर धूप से आते हैं तो क्या होता है, सनबर्न हो जाता है, फेस जो लाल हो जाता है. सो आपको क्या करना है, बस एलोवेरा जेल को 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कूल हो जाए. उसके बाद क्या करना है, इसको निकाल लेना है 10-15 मिनट के बाद. उसके बाद अपने पूरे फेस पे इसको अच्छे से लगा लेना है, जिससे क्या होगा, अगर आपके फेस पे सनबर्न हुआ होगा, रेडनेस हुई होगी, वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी, आपको सनबर्न भी नहीं होगा. सो एलोवेरा जेल को आप आफ्टर शेविंग लोशन, आफ्टर शेविंग क्रीम की तरह भी यूज कर सकते हो, बिकॉज एलोवेरा जेल में हीलिंग, सूथिंग और कामिंग प्रॉपर्टीज होती है. सो अगर शेविंग के बाद स्किन में कोई भी रैशेस हो गए या रेजर के बम्प्स हो गए, तो ये उसको हील करेगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा. सो दैट्स इट फॉर दिस टुडेज़ वीडियो गाइस, एंड आई होप आप सबको ये वीडियो यूजफुल और अच्छी लगी होगी. और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो यू विल नेवर मिस एन अपडेट. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाई.